स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कंट्रोल फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल में कंप्यूटर के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल एक ऐसी यूनिट है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स के डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्हीं डाटा के अंतर्गत कंप्यूटर फर्मेंटर को ऑपरेट करता है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में फर्मेंटर में डिफरेंट डिवाइस जैसे टेम्परेचर, पीएच, एरिएशन, एजिटेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ईटीसी, इन्हीं कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिसके कारण या फिर जिसके वजह से इसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है स्पीड, नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी, नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी, नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल, नेक्स्ट है हमारा वर्सेटिलिटी, और नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी और स्पीड, ये भी इसके कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत इसे डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत इसे थ्री टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें फर्स्ट है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर फर्स्ट, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा रोबोट कंप्यूटर, और नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ पर्पस, जिसके अंतर्गत आता है हमारा एक जनरल पर्पस और नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस। देखिए, यहाँ पे भी इसका क्लासिफिकेशन दिया है, जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो साइज़ की बात की जाए तो साइज़ के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर आता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है और नेक्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर आता है। अगर हम बाई पर्पस की बात करें, जिसमें जनरल पर्पस एंड सुपर स्पेशल पर्पस, और अगर हम टाइप्स की बात की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इन कंट्रास्ट टू डिजिटल कंप्यूटर मेजर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक एरिया, फिजिकल मैग्नेटिक लाइक्स, वोल्टेज, प्रेशर, सॉफ्ट रोटेशन, वाटर फ्लो, ईटीसी इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। मीन्स ये होता है कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो एनालॉग डाटा या फिर एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं। मीन्स एक्सेप्ट करने वाला डाटा या फिर आउटपुट देने वाला डाटा एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग क्या है, एक्चुअल में ये जो डाटा है ये तो या तो ये डाटा है या फिर सिग्नल के फॉर्म में होता है, जिसके दो फॉर्म अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। एक होता है एनालॉग डाटा और नेक्स्ट होता है हमारा डिजिटल डाटा।
इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री में देखिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे अर्ली एनालॉग कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई जो हमारे साइंटिस्ट का नाम है विलियम थॉम्सन ने क्या किया था 1873 में इसे डिस्कवर किया था या इसे इवेंट किया था। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एम मिचेलसन, इन्होंने 1898 में इसे डेवलप किया था सेकंड एनालॉग कंप्यूटर को। ठीक है, तो एनालॉग मींस कंटिन्यूस ऑफ क्वांटिटी जस्ट लाइक एनालॉग क्लॉक मेजरमेंट टाइम बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस। जिस प्रकार टाइम का मेजरमेंट होता है उसी प्रकार ये एनालॉग क्या करता है, वर्क करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फिनोनिमा सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वांटिटीज फॉर प्रॉब्लम इन सॉल्व। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है मुझे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा स्पीडोमीटर और एक होता है हमारा थर्मामीटर। देखिए जैसे कि एनालॉग डाटा या फिर डिजिटल डाटा मेज़रमेंट जो इसमें होता है वो मेज़रमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में होता है जिससे हम मेज़र करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ये एक वेव के फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, जो भी क्वांटिटीज आती है किस फॉर्म में आती है एनालॉग कंप्यूटर में, वेव के फॉर्म में आती है। कोई कंप्यूटर ऐसे डाटा के इनपुट करता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर है जो भी एनालॉग कंप्यूटर है उसमें किसी डाटा को इनपुट किया जाए देन वो प्रोसेस करेगा देन वो आउटपुट देगा तो उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसी भी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। जो भी रिजल्ट है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता बल्कि जो रिजल्ट होता है कैसा होता है, अप्रॉक्स रिजल्ट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है स्केल से हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो डिजिटली हो गया, मतलब वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा स्टेथोस्कोप है इसमें भी हार्ट रेट को मेज़र किया जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो ये सब जो स्ट्रक्चर है किसके हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर के हैं जो एक ग्राफ के फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इट आउटपुट इज़ यूजली डिस्प्ले ऑन ग्राफ्स। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आता है, हमारे डिस्प्ले फॉर्म में आता है। ठीक है, इस प्रकार एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज प्रेशर एंड स्पीड एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो फर्स्ट का कैरेक्टर होता है स्पीड, नेक्स्ट इसका होता है नो स्टेट मतलब वन या फिर जीरो इसमें देता है, नेक्स्ट है इजी टू डेवलप एंड स्मॉल मेमोरी होती है इसकी, नेक्स्ट है कैलकुलेटेड एनालॉग क्वांटिटीज, नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है रिजल्ट नॉट रियलेबल और नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। मतलब ये जो अपना आउटपुट देता है किस फॉर्म में दिखता है, ग्राफ के फॉर्म में दिखता है, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में ये अपना रिजल्ट शो करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इस प्रकार ये क्या है रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के यूज। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंस में एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी फर्मेंटेशन पढ़ ही रहे हैं तो कंप्यूटर को जो कंट्रोल किया जाता है, मतलब सॉरी फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो कंट्रोल की जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, है ना, तो इसके लिए क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कैलकुलेटेड एनालॉग क्वांटिटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो एग्जांपल है एक होता है हमारा थर्मोमीटर एंड होता है हमारा स्पीडोमीटर और नेक्स्ट होता है स्फिग्नो मोनोमीटर। ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है किसके, हमारे मतलब ये सब जो वर्क करते हैं एज अ एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं।